हेलो स्टूडेंट्स, आज 9th इंग्लिश में लेसन 6 माय चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोग को ये जो बहुत अच्छी तस्वीर है ये आपको अच्छे से या मालूम होगा कि ये कौन है। क्या आप ऐसे वैज्ञानिकों के विषय में जानते हैं जो राजनेता भी रह चुके हैं? ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट does not let you sleep. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी आंतरिक रक्षा एवं परमाणु तकनीकी परियोजनाओं ने भारत को 21वीं सदी में पहुंचाया, 2002 में भारत के ये 11वें राष्ट्रपति भी बने। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने बचपन के विषय में बात की है। जी हाँ, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने शिक्षा को बहुत विश्व में बहुत एक शक्तिशाली जो है वो शक्तिशाली शस्त्र के रूप में बताया है। ठीक, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी विश्व जो है वो बदल सकता है आपकी शिक्षा से। इसलिए स्टूडेंट्स आपको भी बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से शिक्षित होइए, अच्छे से पढ़िए। तो चलते हैं आज के लेसन में, माय चाइल्डहुड में आप इस बुक से अध्ययन कर रहे हैं। Question number 1, where was Abdul Kalam's house? Abdul Kalam ka house kahan tha? His house was situated in Rameshwaram. Unka jo makan tha wo Rameshwaram mein tha. What do you think Dinmani is the name of? Give a reason for your answer. Dinmani kya tha? To ek jo hai patrika ka naam tha. और इसके बाद में क्या आंसर देंगे? आंसर, दिनमणि वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज पत्रिका का नाम था। अब्दुल कलाम यूज टू ट्रैक द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स फॉर न्यूज अबाउट द वॉर। तो हमेशा पढ़ते थे कि विश्व में कहां क्या कैसा युद्ध हो रहा है, किस प्रकार है। नंबर 3, How did Abdul Kalam earn his first wages? Wages में यानी होता है कमाई करना। तो कलाम जी ने अपनी पहली कमाई कैसे की? Answer: Abdul Kalam earned his first wages by becoming a helping hand to his cousin. He got the newspapers bundles for him from the moving train. उन्होंने अपनी पहली कमाई चचेरे भाई के सहायक के रूप में की। चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंके गए बंडल्स को लाकर अपनी कमाई का जरिया बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? वो रामेश्वरम में क्यों रहना चाहते थे? अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी फर्दर एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट रामेश्वरम। व्हाई डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोस वर्ड्स? आंसर, हिज वर्ड्स मीन दैट सूनर और लेटर वन हैज टू लीव वंस पेरेंट्स, दिस इज फॉर लिविंग अलोन in the world. He spoke these words because this is a harsh reality of life. Question number 6, what are the meanings of the word trace and which of the meanings is closest to the word in the first? To trace means to find out, to draw an outline, etc. Finding out is the closest meaning. Question number 7, can you find the word under undistinguished in your dictionary? देखिए, क्या आप undistinguished शब्द को डिक्शनरी में पाते हैं? यदि नहीं तो distinguished शब्द को देखिए और बताइए कि undistinguished शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। Answer, distinguished word is not found
because undistinguished is negative to distinguished. It means not specific, not prominent, etc. यानी undistinguished word जो है शब्द डिक्शनरी में नहीं है क्योंकि यह शब्द distinguished का विपरीतार्थी है. Undistinguished का शब्द का अर्थ हो सकता है साधारण या मामूली. इसका अर्थ क्या होगा undistinguished का? UNDISTINGUISHED या इसका अर्थ होता है साधारण. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. देखिए आप बच्चों, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं जो लिखे गए हैं, आपको इसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है ऑस्टियर, सेकंड एलाइड फोर्सेस, कुड नॉट स्टोमैक, डाउन कास्ट, स्टिक मैन, ऑटोबायोग्राफी, हैंडसम, ऑन द होल. ठीक. तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं. अब जो क्वेश्चन आंसर में जहां मैंने अंडरलाइन भी की है ना, उनको भी आपको डिफिकल्ट में शामिल करना और उनको भी अच्छे से लिखना है. ठीक है. और स्पेलिंग मिस्टेक ना, होमवर्क है रीड द लेसन. आपको इस लेसन को बुक में पढ़ना है, लर्न करना है, क्वेश्चन ऑफ आंसर्स को ऑल से हमेशा करना. थैंक यू सो मच.